नमस्कार दोस्तों यू विंडोज़ ट्रेनिंग सीरीज़ में आज हम आपको बताएंगे पी एम हाइफ़न वन के बारे में ये हमारी प्रोफाइल जो हम यूज़ करते हैं इसको हम इन्वर्ट डोर सेस की तरह यूज़ करते हैं मतलब सात फिट वाला डोर होगा उसमें ये मोटी वाली पट्टियाँ लगेंगी जिसमें आप ये देखिए ये एक है और ये चौरासी है तो पीछे तो सिक्सटी रहता है फ्रेम के साथ ही मैच करता हुआ तो और जो इसका वेट आता है वो 1.5 टू तो 4 के पर मीटर आता है और एक बैग में चार पीसेस होते हैं तो ये चार पीसेस पर बैग और 1.5 टू तो 4 के पर मीटर ये इन्फॉर्मेशन आपको दो चीज़ों में हेल्प देगी एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जब आप महीने के आखिरी में इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक बैग में कितना वेट है आपके पास ऐसे ही आप इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे इसका भी तो टोटल वेट आपको प्रोफाइल का पता लग जाएगा कि सात टन प्रोफाइल आपके पास पड़ी है नौ टन पड़ी है और ऐसे ही आप अपनी जीआई का भी निकालेंगे और इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक वीडियो हम वो भी कवर करेंगे जिसमें टोटल आपको डोर का वेट जब निकालना हो एक पूरे के पूरे डोर का वेट तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि फ्रेम इससे बना है पी सी सिक्सटी वन ए से और ये इन्वर्ट डोर है तो इन दोनों को मिला के और इनके अंदर जो जीआई लगी है उनकी भी कॉस्टिंग करेंगे पर इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए अभी देखते हैं कि 1.5 टू 4 है तो हमको और हर एक जो इसकी छड़ आती है एक जो पीस होता है वो 5.85 मीटर का होता है तो फोर पीसेज हैं आपके और 5.85 है और एक पीस वन पॉइंट टू फोर के पर मीटर है तो ये थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स के जी आएगी मतलब एक बैग जो इसका बैग ऐसे ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे हैं तो उस बैग में आप देखेंगे तो ये जो बैग रखे हैं इस बैग में आप देखेंगे तो उतना वेट होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आप ये यूज़ करेंगे और जब हम इसमें जी की बात करते हैं तो वन पॉइंट टू एम वाली जी का वेट जो इसमें लगता है जी जो इनके अंदर लगती है उसका वेट होता है वन तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं इस 1.262 और 1.524 को तो 2.786 पॉइंट पर मीटर आता है तो ये फार्मूला तो आपको यूज़ करना पड़ेगा जब आप डोर का वेट निकालते हैं और ये आपको टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए और अब हम आपको एक सैम्पल डोर दिखाते हैं तो ये हैवी डोर्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि जो हल्के डोर होते हैं उनके लिए तो आप पी सी यूज़ करते हैं फ्रेम में और जो वन ए वाले फ्रेम वाले डोर हैं जैसे ये वाला जो डोर है इसमें ये पी सी ए वाला लगा है तो यहाँ पे ये जो है आपकी ये सेस है ना ये इन्वर्ट सेस है क्योंकि अंदर की तरफ को खुल रहा है ये तो ये इन्वर्ट सेस है तो इसके बारे में हमने आपको बताया था और इसके अंदर की जी भी बताई थी है और कौन सी जी लगी है और इनका साइज़ भी बताया था तो इससे आपको आइडिया आएगा कि ये वाले डोर जब आपने बनाए हों तो आप दोनों प्रोफाइल जब देख लेंगे मतलब पी सी सिक्सटी वन ए वाली प्रोफाइल के बारे में और पी एम सिक्सटी वन के बारे में जब आप देख लेंगे तो आप ऐसे डोर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हमने धीरे धीरे सब कवर किया तो आप इस टाइप के मेन डोर या से, से, सेफ्टी डोर जिसमें कि आपका ऐसे ग्लास ना लगाओ टफ एंड ग्लास आपका ऐसे पैनल लगाओ उसके पीछे स्टील की ग्रिल हो है सेफ़्टी परपज़ के लिए वो सब वेरिएशंस के साथ अगर आप अलग अलग वीडियोस जो हमारे बने हुए हैं उनको देखेंगे और उनके डिस्क्रिप्शन में भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें डालते हैं जो वीडियो में कवर होता है वही पार्ट अगर आपको लगे कि कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए और फिर प्ले के हिसाब से आपको आइडिया आएगा कि भाई डोर कैसे बनाना है और क्योंकि बाथरूम के जो छोटे डोर होते हैं उसमें कम्बिनेशन अलग लगता है उसमें हमने फ्रेम वाले वीडियो में भी कवर किया था ये वाले जो सेस है ये सेस ये ये पी सी है और ये सेस विंडो का सेस है क्योंकि ये छः बाई ढाई फिट वाला ही है तो छः फिट या उससे छोटे अगर कोई स्ट्रक्चर है आपका जैसे छोटा बाथरूम का डोर तो उसमें वो लगेगा और ऐसे बड़े डोर में आपका पी एम सिक्सटी वन लगेगा बाकी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट कीजिए धन्यवाद दोस्तों